मसीह ने मरथा की बहन मरियम के बारे में कहा मगर एक बात है कि उसने वो हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा आप भी यकीन आज अपना एक ऐसा हिस्सा बटोरने आए हैं जो आपसे कभी भी छीना नहीं जाएगा सो खुदा का शुक्र हो जो हमें जिंदगी बख्शता है और वो हमें अपने जलाल के लिए अपनी कुदरत के लिए जगह ब जगह इस्तेमाल करता है और बाइबल मुकदस बयान करते कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया पैदा किया कि वो उसके जलाल को जाहिर करे आज हम खुदा के पाक कलाम में से जो हवाला तलावत किया अमाल की किताब पहला बाप पहली आयत से ग्यारहवीं आयत तक हमने खुदा के पाक कलाम को पढ़ा है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शागिर्द मसीह से बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं उन्होंने कई बार यह सवाल मसीह से किया क्या खुदावन तू इसराइल को बादशाही कब ता करेगा और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने के निशान क्या है और यसुमसी ने हमेशा उनको एक ही जवाब दिया और कहा कि इन बातों का जानना तुम्हारा काम नहीं है क्योंकि ये बातें खुदा ने अपने इख्तियार में रखी हैं तो आज हमारा टॉपिक है यसु मसीह की आमद सानी खुदावन यसु मसीह की आमद सानी आमन का मतलब होता है आना मौजूद होना एक बादशाह का आना आमद का मतलब है आना और सानी का मतलब है दूसरा या दूसरी सेकंड बहुत सारे लोग आमद सानी का मतलब यह निकाल देते हैं ऐसी आमद जिसका कोई सानी नहीं है यह मतलब ठीक है लेकिन आमद सानी का मतलब यह है कि यस्सू मसीह की दूसरी आमद जिसका मतलब कि सानी नहीं है वो है लफ्स ला सानी ला सानी ला एक ऐसा कलमा है जो नफी का कलमा है नहीं बगैर बिना जैसे हम कहते हैं बेफायदा यानी ऐसी चीज ऐसा काम जिसमें फायदा इसी तरह कुछ चीजों लफ्सों के साथ जब ला लग जाता है तो उसका मतलब यह है कि उसका कोई और दूसरा सानी या दूसरा नहीं है जैसे कहते हैं ला इलाज यानी इसका कोई इलाज सा, ला सानी का मतलब है कि ऐसा जिसका कोई दूसरा नहीं है जब हम कहते हैं कि यसु मसीह लासानी है तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में यसु मसीह जैसी शख्सियत कोई और नहीं है लेकिन जब हम कहते हैं आमद सानी तो इसका मतलब है कि यस्ु मसीह की दूसरी आमद सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट पहली आमद हम जानते हैं यसु मसीह की 2000 साल से ज्यादा हुआ जब यसुमसी ने एक बच्चा की सूरत में मुकदसा मरियम के हाथ जन्म लिया वो यसुमसी की पहली आमद है और अब यीशु मसीह की दूसरी आमद होने वाली है और जब हम दुनिया के हालात पर गौर करते हैं तो हमें नजर आता है कि दुनिया के अंदर खौफ और दहशत की वबा फैली हुई है हर तरफ खौफ ही खौफ है दहशत ही दहशत है बीमारियों का खौफ है वबाओं का खौफ है जैसा कि पीछे 2019-20 में कोरोना की वबा का बड़ा खौफ फैल गया और आजकल फिर बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा खतरनाक वायरस जो है वो दुनिया में दाखिल हो रहा है कुछ ममालिक में है हम देखते हैं कि बीमारियों का बड़ा खौफ छा रहा है बेरोजगारी का खौफ मरने का खौफ अपनी औलाद या मुस्तबिल का खौफ भूख का खौफ इफलास का खौफ दुनिया में खौफ ही खौफ है दहशत ही दहशत है मैं अक्सर यह बात कहता हूं कि जब से हमने होश संभाला है जब से हमें चीजों का कुछ पता चलना शुरू हुआ है एक बात हम शुरू से सुनते आ रहे हैं हालात बड़े खराब हैं महंगाई बहुत ज्यादा है हालात बहुत खराब हैं महंगाई बहुत यही दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर हर शख्स की जुबान पर यही राग है कि हालात खराब हैं और महंगाई बहुत ज्यादा है यानी दुनिया के अंदर खौफ और दहशत और मैं आपको बताना चाहता हूं अबलीस का सबसे हथियार जिससे वो दुनिया को मखलूब करता है जिससे वो दुनिया को फतेह करता है अबलीस का सबसे जबरदस्त हथियार जिससे वो इंसानों को या किसी को भी शिकस्त देता है वो है खौफ वो क्या है जी खौफ और आप देखें हर तरफ खौफ ही खौफ की क्या है फज़ा है बच्चों में खौफ है बड़ों में खौफ है बच्चों के फेल होने का उनको खौफ है कम नंबर आने का खौफ है मां बाप को खौफ है हर तरफ खौफ ही क्या है खौफ है दहशत है और ये अबलीस का कारनामा है ये अबलीस की चाल है क्योंकि बाइबल मुकदस बयान करती है कि जो शख्स खौफ में जिंदगी बसर करता है वो कभी कामल नहीं हो सकता खौफ करने वाला शख्स कभी मोहब्बत कर नहीं सकता खौफ करने वाला शख्स कभी फाते नहीं हो सकता सो so, अब्लीस चाहता है कि दुनिया खौफ और दहशत के अंदर जिंदगी बसर करे और जिस तरह के मौजूदा हालात पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं मसीही कौम कौम के अंदर एक बड़ा खौफ फैला जा रहा है और मसीही कौम समझते हैं कि इसका हल ये है कि पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी और खित्ते में चला जाए यह ठीक हो सकता है हर एक अपनी सोच है लेकिन याद रखिए अगर खुदा ने यहां पर आपको रखा है तो उसका कोई आपके बारे में मकसद है लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि एक मसीही एक ईमानदार एक रास्त शख्स एक खुदा से प्यार करने वाला शख्स इंपावर कैसे हो सकता है कैसी कौन सी चीज है जो एक ईमानदार को हमेशा खुवत से भरपूर रखती है कौन सी चीज है जो एक ईमानदार को जीने पर उकसाती है कौन सी चीज है जो एक ईमानदार को सर कटवाने के लिए तैयार कर देती है वो कौन सी चीज है जिससे लोगों ने अपना माल का लुट जाना घुरा किया वो कौन सी चीज है जिसके सबब से लोगों ने अपनी जाने गुवा दी लोगों ने अपनी औलादों को खो दिया लोगों ने अपना नुकसान किया वो कौन सी चीज़ है बाइबल मुकदस बयान करती है वो वो उम्मीद है कि हमारा खुदा यु सी जो मर गया जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया लिखा है लिखा वो एक दिन फिर आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा यीशु मसीह के आने की उम्मीद जिसके पास यीशु मसीह के आने की उम्मीद है वो कभी खौफजदा हो नहीं सकता वो कभी खुदकुशी नहीं करेगा अब देखते हैं दुनिया में खुदकुशी का शराब बढ़ रही है या रेट बढ़ रहा है लोग खुदकुशियां कर रहे हैं क्यों क्योंकि जब उनकी उम्मीद टूट जाती है जब उनकी उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो समझते हैं कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है मगर एक ईमानदार के पास इस दुनिया में जीने और अपने ईमान पर कायम रहने की एक बड़ी उम्मीद है और वो उम्मीद है कि हमारा खुदा यस्ु मसीह जो खुदाबाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है वो आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा यीशु मसीह की दूसरी आमद, ये आमदत है ये वो पावर है जो एक ईमानदार को हमेशा फाते बनाती है और वो कभी भी किसी चीज से शिकस्त खुर्दा नहीं होता बहुत सारे लोगों के पास दूसरे आलम की म आखरत वो रखते हैं बहुत सारे मज़ाहिब इस बात को सोचते हैं या कहते हैं कि जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है लेकिन कैसे क्या सबूत है लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दूसरी आमन दूसरी जिंदगी का आगाज कैसे होगा कैसे हम दूसरी जिंदगी में दाखिल होंगे कौन सा वसीला होगा कौन सा जरिया होगा कौन सी चीज होगी जो हमें इस जहाने फानी से निकाल कर जो किसी मरे हुए शख्स को जिंदा करेगी और अपनी जिंदगी में दाखिल करेगी वो कौन सी चीज है बाइबल मुकदस बयान करती है वो यस्सु मसीह की दूसरी आमद है दूसरी आमद कैसे होगी पहली बात बताना चाहता हूं कि दूसरी आमद का एक हिस्सा खुफिया हिस्सा है अच्छा मैं एक बात बता दूं कि आमद सैनिक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसको मैं तो क्या कोई भी एक नशित में एक पैगाम में या एक दिन में हम इसको मुकम्मल नहीं कर सकते सो हम उसकी चंद बातों को सीखेंगे चंद चीजों के बारे में हम जानेंगे के पहली बात के यसुमसी की दूसरी आमद खुफिया होगी यसुमसी की दूसरी आमन को कोई नहीं जान सकेगा मगर उसके अंदर एक बहुत बड़ा काम होगा और वो क्या होगा यह हम बाद में सीखेंगे लेकिन दूसरी आमन कैसे होगी बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दूसरी आमद यानी यसुम सी जब दूसरी दफा आएगा तो लिखा है कि वो बड़ी कुदरत और बड़े जलाल के साथ आएगा पहले यसु मसी फरोतन बनकर हलीम बनकर आज़ज़ बनकर आपको नजात देने के लिए वो आप जैसा बनकर इंसान बनकर इस जमीन पर आया उसने और से जन्म लिया और लिखा है कि वो खाकसार बन गया फरोतन बन गया मगर अब जब यसु मसी आएगा तो वो एक बच्चे की सूरत में नहीं वो एक हलीमी वाली सूरत में नहीं बल्कि बाइबल मुकदस बयान करती है कि वो बड़ी कुदरत और बड़े जलाल के साथ आएगा यीशु मसीह की आमद अब मामूली आमद नहीं होगी यीशु मसीह की आमद गैर मामूली होगी लिखा है कि बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आएगा और फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है यहां हमने पढ़ा है ए गलीली मर्दो तुम क्यों हैरानगी से देख रहे हो यही यस्सु यही यस्ू जिसको तुमने जाते देखा है यही बादलों पर सवार होकर दोबारा फिर आएगा बाइबल मुकद्दस बयान करते कि यस्सु मसीह की दूसरी आमन खुदरत और जलाल वाली होगी और लिखा यसुमसी बादलों पर सवार होकर आएगा हाल कैसे आएगा बादलों पर सवार होकर जलाली खुदरत के साथ बादलों की सवारी करेगा लिखा जब यसुमसी आसमान पर उठाए जा रहे थे तो लिखा उसको एक बदली ने क्या कर लिया छुपा लिया बादल किसी को उठा नहीं सकते बादलों को कोई शख्स पकड़ मगर यस्सु मसीह की लिखा कुदरत है कि वो बादलों पर क्या होगा जी हाल मेरा मसीहा अब आएगा तो वो बादलों की सवारी करते हुए आएगा वो बादलों पर सवार होगा उसी किसी घोड़े या किसी रथ की किसी गाड़ी की किसी एरोप्लेन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कादिर खुदा है और वो वो काम करता है जो दुनिया नहीं कर सकती इसलिए वो बादलों पर सवार होकर आएगा और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फरिश्तों के संग आएगा पहले मसीह कैसे आया बड़ी खामोशी के साथ एक बच्चा बनकर जन्म लिया अभी यसु मसीह आएगा बड़ी कुदरत के साथ बादलों पर सवार होकर आएगा और साथ बराती भी होंगे और वो बराती कौन से होंगे जी वो बराती कौन से होंगे फरिश्ते होंगे फरिश्ते यसु मसीह के साथ होंगे लिखा है वो लाखों खुदशियों के साथ आएगा लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते उसके साथ होंगे ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਤ ਕਿਸਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਢੋਲ ਤੇ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਪੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜਬਾएंगे ਲਿਖਿਆ ਨਰਸਿੰਘੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਸੂਮਸੀ ਕੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ लिखा है नरसिंगे की आवाज होगी लाखों फरिश्ते होंगे बादलों की सवारी होगी और बड़ी कुदरत और बड़ा जलाल होगा की आमद। लिखा है बाइबल का दस बयान करते हैं कि दुनिया हिल जाएगी करोड़ों फरिश्ते साथ नरसिंगे की आवाज होगी और नरसिंगा ज़मानों में बने साइल में जब बजाया जाता था उसके कई मतलब होते थे उसका मतलब इलाने जंग भी होता था और उसका मतलब इलाने फतेह भी होगा और जब ये नरसिंगा फूंका जाएगा तो नरसिंगे में दोनों बातें होंगी ये फतेह का ऐलान भी होगा और इलाने जंग भी होगा अब्रीज के खिलाफ जंग होगी उन गुनेगार लोगों के खिलाफ जंग होगी लिखा जो खुदा यस्सु मसीह को नहीं मानते लिखा उसके आगे आगे एक बढ़ती हुई आग आएगी जो उन गुनेगारों को खा जाएगी जो उसको मानने से इनकार करते हैं जंग भी होगा यह नरसिंगा और फतेह की ललकार भी होगी क्योंकि बाइबल मुकदस बयान करती है कि जब मसीहा आएगा तो वह अपनी दुल्हन को लेने आएगा सो बाइबल मुकदस बयान करते हैं कि ये आमद बड़ी जलाली होगी इसके बहुत सारे हवाला जाते हैं पढ़ने का टाइम नहीं है सो so, बाइबल मुकदस बयान करती है कि ये आमद मामूली आमद नहीं होगी और फिर दूसरी बात इसके नतज क्या होंगे जब यसुमसी आएगा पहली बात खुफिया आमद होगी दूसरी बात फरिश्तों के साथ बड़ी नरसिंगे की आवाज बादलों की सवारी और कुदरत और जलाल होगा लेकिन जब यसुम मसीह आएगा तो करेगा क्या पहली आमद में यसुम मसीह आया है पालूसर पालूस फरमाते हैं वो कहते हैं कि हम मसीह की तरफ से एलची होकर तुम से इल्तमास करते हैं कि खुदा से क्या कर लो यानी पालूसर सुल कर रहा है कि यसु मसीह की तरफो असि ती मिन्नत कर रहे थोड़े अगे हाथ जोड़ने कि यसु मसीह ना खुदा ना की कर लो सुलाह कर लो जे पालूस हथ बे ने तो फिर किन्ने हथ बे ने सीधी सीधी गल जब पालूस कहें कि असुमसी की तरफों इलतमास कर मतलब कि कौन इल्तमास कर रहा है ही कर रहा है इल्तमास यसुमसी आज हर एक शख्स दुर्खास्त कर रहा है मिन्नत कर रहा है भाई तोबा कर लो नजात ले लो कबूल कर लो मुफ्त मैंने दी अपनी जान कुर्बान की है अपना खून बहाया तुम्हारे लिए प्लीज इसे ले लो इसे ले लो पहली आमद हलीमी की आमद है पहली आमद में वो फरोतन है लेकिन दूसरी आमद में क्या होगा लिखा है कि पहले वो ईमानदारों को तैयार करने आ रहा है कि जो अब वो कह रहा है निजात ले लो और जितने निजात में शामिल हो चुके हैं अब से आएगा उनको लेने के लिए उनको लेने के लिए एक सादा सी एग्जाम्पल है जब हम अपने कोई भी अपने बेटे की शादी करता है तो वो मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं खानदानों को विजिट करते हैं लड़कियां देखते हैं और फिर एक लड़की को क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्शन के बाद प्रोसीजर होता है और फिर एक वक्त आता है दूल्हा जाता है और अपनी दुल्हन को लेकर आता है यसुम मसीह भी आया और अब वो समझे कि सिलेक्ट कर रहा है वो अपने ऑप्शन दे रहा है हम भी ऑप्शन देते हैं मुंडा बड़ा पढ़िया लिखा जी मुंडा है जॉब कर दिया मुंडा बड़ा सोना है मुंडा जो कुछ हम भी कुछ ऑफर करते हैं किसी न पसंद किसे किसी पसंद नहीं आदा मसीह भी ऑफर दे रहा है सु मसीह भी हमें बता रहा है कि भाई मैं क्या हूं तुम्हारे लिए क्या मेरा मनसूबा है तुम्हें मैं क्या देना चाहता हूं तुम मेरे साथ क्या हो गए मगर जो आज उसको कबूल कर रहे हैं और जब यसुम मसीह की आमद होगी तो यसुम मसीह फिर क्या करेगा उनको अपने साथ ले लेगा बाइबल मुकदस में लिखा है कि यसुम मसीह जब बादलों पर सवार होकर नरसिंग की आवाज के साथ आएगा फरिश्तों के साथ आएगा ओ लाखों खुदसियों के साथ आएगा तो लिखा पहले वो जो मसीह में मुए जिंदा होंगे और फिर लिखा है बाकी हम जो जिंदा होंगे उनके साथ मिलकर हवा में उड़ जाएंगे हवा में उठा लिए जाएंगे और हवा में उड़कर अपने यीशु मसीह का इस्तेबाल करेंगे हालिया धूल आएगा और दुल्हन हवा में उड़कर यसुम मसीह का क्या करेगी जी इस्तकबाल करेगी वो दुल्हन को लेने आ रहे हैं नतज ये होंगे कि आज जो लोग दुख में सुख में मुसीबत में गम में हर तरह की हालत में यसु मसीह के साथ कायम हैं जो यसु मसीह के लिए कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं जितने यसु मसीह के लिए नुकसान उठा रहे हैं जितने यस्सु मसीह के पीछे चलने के लिए और कई तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हैं जब हमारा मसीहा आएगा तो उनको वो अपने साथ ले लेगा हालिया सो ये नतज होंगे यस्सु मसीह की आमन के ये वो पहली क्यामत है बात को गौर से सुने लिखा है लाजर और जब अमीर आदमी के दरमियान सवालों जवाब होता है तो अमीर आदमी कहता है कि इसको बेच ताकि ये अपनी उंगली का सिरा भगोए और मेरी जुबान को थर कर आगे से जवाब आता बेटा तो दुनिया में अच्छी चीजें ले चुका और लाजर बुरी चीजें मगर अब वो यहां पर तसल्ली पाता है अलावा इसके तुम्बारे और हमारे दरम्यान एक क्या है जी घड़ा है लिखा है जिसको कोई पार कर नहीं सकता ना उधर से कोई इधर आ सकता है ना इधर से कोई उधर जा सकता है और ये घड़ा क्या है ये वो पहली क्यामत है फिर इसके बाद एक दूसरी क्यामत होगी इन दोनों क्यामत के दरमियान जो वक्फ़ा है यही वो घड़ा है जिसको कोई क्रास नहीं कर सकता जितने पहली क्यामत में जी उठेंगे वो यसु मसीह के साथ अबी जिंदगी में क्या होंगे जी दाखिल होंगे वो उसके साथ अपदी जिंदगी में दाखिल होंगे और बाइबल मुकदस बयान करती है कि ईमानदार यसु मसीह के लोग आज इसी उम्मीद पर आज इसी सहारे पर इसी जिंदा उम्मीद पर वो अपनी जानों और अपने मालों का नुकसान उठा रहे हैं कि हमारा मसीहा बादल पर सवार होकर आएगा और हमें इस दुनिया से अपने साथ उठाकर ले जाएगा और इसका एक पहलू यह भी है कि यही आमद गुनेगार लोगों के लिए सजा का बायस होगी लिखा है बहुत सारे लोग रोएंगे और छाती पीटेंगे और कहेंगे ऐलो और पहाड़ों हम पर घिर पड़ो और हमें बर्रा के गजब से बचा लो सो जितने आज यीशु मसीह को कबूल नहीं करते या उसके साथ वफादारी से नहीं चलते फिर वो इसी तरह रोएंगे और चलाएंगे और बाइबल मुकद्दस बयान करता है कि फिर उनको मौत भी नहीं आएगी सो हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है और वो जिंदा उम्मीद ये है कि हमारा खुदाम यसुमसी बादलों पर सवार होकर आएगा और अपनी दुल्हन को अपने साथ अपनी जिंदगी में ले जाएगा यही हमारी खुवत है यही हमारी तसल्ली है यही हमें हर चीज पर फाते बनाती है सो so, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएँ अपने आँखों को बंद कर दुआ करें आज के कलाम के लिए